न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ से, न ध्यान से, न तपस से किसी भी प्रकार के शास्त्रीय श्रोत व स्मात कर्म से उग्र तप करके इस रूप को देखा जा सकता है जिस रूप को तुमने देखा। यह जो एक व्यक्त रूप में सर्वव्यापी वैश्वानर प्रत्यक्ष उन दिव्य चक्षुओं से इंद्रिय गोचर ऐसा वह अद्भुत दृश्य अर्जुन को अत्यंत प्रेम से भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, वह कैसे संभव है? तो भक्त्या तो अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति से ही शक्य है और किसी प्रकार से ये संभव नहीं है। और इसलिए फिर अनन्य भक्ति क्या है? ज्ञातुं द्रष्टुं च प्रवेष्टुं तत्वेन पक्का स्पष्ट जैसा है वैसा यथार्थ तत्व रूप में, जैसा है वैसा तत्व, तत् यानी वैसा, जैसा है वैसा तत्व, तत्व और सत्व दोनों शब्दों का लगभग करते हैं। ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं तब तत्व कहते हैं, जब बाकी चीजों के लिए कहते हैं तो सत्व कहते हैं। ऐसा सत्व वैसा तत्व, तत्त्वम असि तत्व, तो तत्व रूपेण व्यवस्थित रूप से तत्वतः बिल्कुल अंदर 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 जाते 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 सारा आडंबर छोड़ करके अंदर जाकर के मेरा दर्शन होगा। केवल ज्ञान नहीं दर्शन भी, केवल अनुभव नहीं, उस अनुभव की स्थिरता स्पष्ट देख लिया तुमने, हृष्ट रोमा विस्मय चकित होकर के अर्जुन ने कहा, हर्षित और भयभीत दोनों एक साथ हुआ मैं यह अदृष्ट अपूर्व ऐसा रूप देख करके, पहले कभी न देखा गया ऐसा तुम्हारा रूप देख करके। एक तरफ आनंद भी हुआ लेकिन उसकी करालता, उसका विकराल स्वरूप देख करके, उसका विध्वंसकारी काल रूप देख करके, महाकाल का रूप देख करके भय भी चकित हुआ। तो द्रष्टुम स्पष्ट दिखना, स्पष्ट सामने दिखाई देना, बात इतनी स्पष्ट हो जाए कोई विषय के इतना, जिसको हम विशेषज्ञ कहते एक्सपर्ट कहते, वह एक्सपर्ट होता है तो उसको दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। वो सामने नहीं है फिर भी वो स्पष्ट बता सकता है, फिर वो फोन पर बता देता है वो ऐसा है, फिर उसको ऐसा करो, फिर वैसा करो, वहां पर वो दिखेगा। अरे उसके सामने तो है नहीं पर उसके दिखेगा, वो वहां दिखेगा, वो देखो स्पष्ट है। द्रष्टुम एकदम स्वचक्षुषा आंखों के सामने स्पष्ट है, द्रष्टुम नित्य हो गया, निरंतर हो गया वह ज्ञान। जब निरंतर हो गया तो द्रष्टुम, और इतना ही नहीं प्रवेशतुम, उसमें तुमने प्रवेश ही कर लिया है। परंतप हे शत्रुओं का नाश करने वाले, उनको तपाने वाले अर्जुन, पराक्रमी अर्जुन, भक्त्या तु अनन्या, अनन्य भक्ति से ही यह हुआ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कोई दूसरा नहीं ऐसी अनन्य भक्ति। अर्जुन कह रहा है कि अभी तक तो मैं तेरे को मित्र समझता था, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता महिमानं तवेदम शिष्यस्ते हम, उसने बोला दूसरे अध्याय में तुम गुरु हो, लेकिन उस समय उसने बोला कि अब तुम मुझसे बड़े हो तो गुरु हो। कल हम संबंधों की संस्कृति की बात कर रहे थे कि भारतीय संस्कृति संबंधों की संस्कृति, और संबंध निर्वाह किए जाते हैं, निभाए जाते हैं। निर्वाह यानी क्या? वहन यानी बहना, वहती पानी बह रहा है तो वहन, वहती वहनम, अपने आप जो होता है वो वहनम है,
जब उसको नियंत्रित करते हैं तो निर्वहनम है। प्रयत्न पूर्वक जब संबंधों को बहाते हैं, प्रवाहित करते हैं, उसके लिए कुछ विशेष प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कुछ संयम करते हैं, कुछ त्याग करते हैं, कुछ अतिरिक्त करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, सुविधा में रह करके संबंधों का निर्वाह नहीं हो सकता, सुविधा का त्याग करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। दो लोग साथ में रहते तो एडजस्ट करना पड़ता है, चार लोग हो तो और एडजस्ट करना पड़ता है। सबकी अपनी 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 रुचि होती है, राग द्वेष होते हैं, उसको एडजस्ट कर, छोटी छोटी बातों में संबंध का निर्वाह करना। तो वो निर्वहन कैसे होता है? शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, कहा तुम मेरे, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। यक्षेय स्यात निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए श्रेयस करे निश्चित करके बता दो। शिष्यत्व ग्रहण किया किस भाव से? सखा भाव से। गुरु भाव, गुरु कहा है लेकिन सखा भाव से कहा है, मजेदार बात है। इसलिए यहाँ अमरकंटक में एक महात्मा हुए, गृहस्थी थे और बिना किसी पूर्व जन्म के अभ्यास से होगा, बिना किसी प्रकट साधना के इस जन्म में नर्मदा जी के उद्गम स्थल पे थे। तो माँ रेवा की कृपा है, माँ रेवा बड़ी उग्र है, गंगा की कृपा अलग है, रेवा की कृपा अलग है, नर्मदा की कृपा अलग है। माँ रेवा की कृपा होगी जो आध्यात्मिक एक तरह से आघात सा हुआ, ऐसा मतलब स्पिरिचुअल एक्सीडेंट कह सकते हैं, साक्षात हो गया आकाश तत्व को, साक्षात करके आकाश तत्व पर नियंत्रण हो गया। नागार्जुन नाम था उन्होंने, पता नहीं क्या उनको ऐसा अचानक सामान्य कुछ इलेक्ट्रिशियन या ऐसा ये टेलीफोन का जो लाइनमैन होता है इस प्रकार का कोई काम करता, और वो लाइनमैन का काम करते थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में या इसमें किसी में लाइनमैन का काम करते करते ये साक्षात्कार हो गए। साक्षात्कार होने के बाद वो सारा कर्म छूट गया और पूरी तरह से स्वयं का ऐसा एक विचार व्यक्त किया, मानव जाति का संविधान लिख दिया, पूरे मानव मात्र के लिए संविधान लिख दिया, मानव विकास का संविधान। और फिर ये सारी सृष्टि में जो अस्तित्व बोध है, उस अस्तित्व मूलक सह अस्तित्व के सह दर्शन के सिद्धांत, सह जीवन के दर्शन को उन्होंने मानव दर्शन का प्रतिपादन किया। और छोटे में इस सबको उन्होंने बाद में जाकर के उनके साथ में और बहुत सारे लोग जुड़े, आईआईटी मुंबई के कुछ लोग, आईआईटी दिल्ली के कुछ लोग जुड़े, और उसके बाद में आईआईटी कानपुर के हमारे डॉक्टर गणेश बागड़ी जुड़े, जो पहले विवेकानंद केंद्र में भी सक्रिय थे, बाद में वैदिक गणित के लिए बहुत पागलों की तरह वैदिक गणित के लिए काम किया और बाद में ये इसमें लग गए। और उन लोगों ने सारा ये अस्तित्व मूलक सह जीवन का मानव दर्शन, ये बहुत बड़ा नाम होता है वगैरह वगैरह, तो इसको कुछ छोटा नाम दो, बाबा जी कहते थे उनको नागार्जुन जी से। मैंने सबसे पहले उनके दर्शन 1991-92 में आईआईटी दिल्ली में किए एक प्रोफेसर के घर में, उसके बाद में अमरकंटक भी 7-8 दिन जा कर के रहा, मैं बिजनौर में भी रहा, बहुत जगह रहा। बिजनौर में वो सरदार अर्जुन सिंह जी थे ना, जो आपको वहाँ मिले थे विवेकानंद नीडम में, उनके उनके खेत पे ये बाबा जी थे, वहाँ भी मैंने दर्शन किए। अब वो बहुत बड़ा एक उनका जिसको अंग्रेजी में कल्ट कहते हैं, ऐसा उनका एक नया संप्रदाय खड़ा हुआ है, जीवन विद्या नाम से वो शिक्षा में और बाकी सारे इसमें व्यापार आदि में प्रयोग करते हैं जीवन विद्या। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, उसमें एक सिद्धांत बड़ा सुंदर है संबंधों के निर्वाह को लेकर के, जो अपने बृहदारण्यक उपनिषद आदि तत्वों से जुड़ता है, इसलिए मैं उसको प्रतिपादन कर रहा हूँ। बाकी नागार्जुन जी का बहुत सारा उपनिषद के और गीता आदि के विपरीत चलता है, होता है ऐसा। समग्र साक्षात्कार होने की जगह अर्ध साक्षात्कार, आंशिक साक्षात्कार में आदमी बाकी सबको नकार करके मेरा ही सत्य बोलने लगता है। ये सारे जितने आतंकवाद फैलाने वाले संप्रदाय है, एक
अतिरेकी संप्रदाय है, कट्टर संप्रदाय है, मेरा ही सत्य बाकी सब गलत, ऐसा कहने वाले जितने संप्रदाय वो इसी मानसिकता से हुए कि उनके उनका साक्षात्कार पूर्ण नहीं हुआ, समग्रता से नहीं हुआ। जो यहाँ पर इस भगवद गीता में हमको वो समग्रता इस श्लोक में दिख रही है, उसकी भूमिका में आ रही है। इसलिए मोहम्मद पैगंबर के बारे में भी स्वामी विवेकानंद ने शब्द प्रयोग किया, ही स्टम्बल अपॉन रियलाइजेशन, साक्षात्कार अचानक हो गया उनको, स्टम्बल्ड अपॉन रियलाइजेशन। शास्त्रीयता से व्यवस्थित गुरु के मार्गदर्शन में नहीं हुआ, और ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कत होती है। अर्जुन का शिष्यत्व दूसरे अध्याय में वो शिष्यत्व है जो सखा भाव का शिष्यत्व है। तो ये बाबा नागार्जुन कहते हैं प्रत्येक संबंध या मूलतः गुरु शिष्य संबंध, पिता पुत्र का संबंध मूलतः गुरु शिष्य संबंध है। पिता पुत्र को कुछ ना कुछ शिक्षा अथवा दीक्षा प्रदान करता है, और यह पुत्र जब तक मानता है तब तक संबंध है। वो जब तक मानता है कि आप गुरु हो, मैं लघु हूं, इसलिए आपसे मुझे कुछ सीखने लायक हो, आप सीखने की है इसलिए सिख हूं, सिख यानी शिष्य, शिष्य का ही अपभ्रंश पंजाबी में सिख हुआ। शिष्यत्व इतना ही नहीं, उर्दू में वही शिष्य बना तालिबान, तालीम लेने वाला तालिबान। इसलिए बालाकोट में जो हमला हुआ है वो हमला मदरसे पे हुआ है, ये आतंकवादी मदरसे में पैदा होते हैं। अजहर मसूद ये मौलाना है, गुरु है, मौलाना मतलब जो कुरान पढ़ाने का अधिकारी है वो मौलाना है। बोलचाल की भाषा में मुल्ला मुल्ला हम कहते हैं, मुल्ला हर कोई मुसलमान मुल्ला नहीं है। जो पारंगत हो गया कुरान की व्याख्या करने में, इसलिए वो दूसरे को कुरान सिखा सकता है, उसको मौलाना कहते हैं। ये जितने आतंकवादियों के नाम है मौलाना हाफिज सईद, मौलाना अजहर मसूद, ये उनके उस्ताद है, गुरु है, और इसलिए तालिबान का अर्थ होता है सिख। जो पंजाबी में सिख है, जो संस्कृत में शिष्य है, वह फारसी में तालिबान है, तालीम से बंधा हुआ तालिबान। अंग्रेजी शब्द है उसके लिए डिसाइपल, डिसिप्लिन में बंधा हुआ डिसाइपल। जो डिसिप्लिन में नहीं बंधा है वो डिसाइपल नहीं है, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्ति करनी है तो अनुशासित जीवन चाहिए, गुरु के प्रति लघुता शिष्यत्व चाहिए। पिता पुत्र में वो संबंध है तब तक वो संबंधों का निर्वाण होता है, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे, तब वो जनरेशन गैप है, अब उससे सीखना है। मोबाइल में कुछ समझ में नहीं आया तो बुला करके बेटा ये समझा दो, ये ऐप कैसे डाउनलोड करना है, गुरु शिष्य का ही संबंध उल्टा हो गया। वानप्रस्थ इसलिए था, 50 वर्ष के हो गए, विड्रॉ करो भाई, अब 25 साल का तुम्हारा बेटा हो गया है, वो गृहस्थ में आ गया, अब उससे तुम सीखो नए नियम। तो पितृधर्म पिता धर्म पुत्र धर्म चलता रहेगा, गुरु शिष्य संबंध है, इधर से उधर हो सकता है, उधर से इधर हो सकता है। वही भाई भाई का संबंध है, हर संबंध गुरु शिष्य का संबंध है। जब तक उस संबंध से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है अथवा दीक्षा, दमनम ईक्षते इति दीक्षा, शमनम ईक्षते इति शिक्षा, शिक्षा यानी सीखना, कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना जिससे इंद्रियों का शमन हो सके, इस प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो शमन का ज्ञान यानी शिक्षा, दमना का ज्ञान यानी दीक्षा, इसलिए अध्यात्म का गुरु दीक्षा देता है। तो पिता दीक्षा गुरु भी है, मंत्र दीक्षा पिता देता है, गायत्री मंत्र की दीक्षा पिता देता है। इसलिए हमारे यहाँ ग्रहपत्य सूत्र में गुरु का प्रथम समानार्थी पर्यायवाची का है पिता, पितैव गुरुः, ऐसा कहा, पितुः गुरुः समः,
यदि वेदाध्ययन का पिता अधिकारी नहीं हो तो वह गुरु के पास भेजता है जो पितृत्व ग्रहण करता है शिष्य का। जिस दिन वो अपने गुरुकुल में शिष्य के रूप में स्वीकार करता है, वो कहता है अंतेवासी को, अब मैं अपने गर्भ में धारण करता हूं। आवाहंती होमम होता है। तो पिता पुत्र का वो गुरु शिष्य संबंध है। वानप्रस्थ के बाद उल्टा है वो, उसका गुरुत्व मानना है। जहां माना जाता है वहां परिवार ठीक चलते हैं, जहां नहीं माना जाता वहां रोज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, प्रतिदिन तू तू मैं। आजकल वो जरा जल्दी हो गया, आजकल 12 साल के बच्चे ही कहते हैं माता पिता को क्या समझना आता है। ये क्यों है? संयतेंद्रिय अनुशासन नहीं है, डिसाइपल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए डिसिप्लिन परिवार का खत्म हो गया, इसलिए शिष्यत्व खत्म हो गया, इसलिए संबंधों में खटास आ गई। यही मित्र के संबंध है। मित्र मित्र का संबंध तभी तक है जब तक एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को एनरिच करते हैं, समृद्ध करते हैं एक दूसरे को। चकल्लस वाली मैत्री बहुत दिनों तक नहीं चलती। गॉसिप के सारे दो मिलकर के तीसरे के आलोचना करके बहुत दिनों तक मैत्री नहीं टिक सकती। मैत्री कब टिकेगी? लंबी मैत्री टिकती है। क्यों? 15 मिनट बैठते हैं तो 15 मिनट में इतना कुछ एक दूसरे से सीख लेते हैं। हर क्षण गुरु शिष्य का संबंध वो मित्र में बदलता रहता है, इसलिए वो बराबरी वाला है। सखे व सख्यु वाला बराबरी वाला, इसलिए कि एक बार ये गुरु है, 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 चलता है। आज बहुत वर्षों बाद हमारे मित्र आशुतोष श्रीवास्तव अभी किडनी ट्रांसप्लांट करके आए, तो देवेंद्र फडणवीस उनका स्वास्थ्य देखने के लिए गए और मैं भी उसी समय डॉक्टर को लेकर के पहुंचा। तो हम तीनों मित्र बहुत वर्षों बाद तीनों साथ में 30-40 मिनट बैठे और 30-40 मिनट में तीनों ने एक दूसरे से कितना सीखा, अभी मैं बता रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है। इसलिए घंटों मित्र घंटों बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी वृद्धि हो रही है, सबका स्तर बढ़ रहा है, उसको मैत्री कहते हैं, उसको संबंध कहते हैं। संबंधों का निर्वाह गुरु शिष्य के प्रवाह का निर्वहन है, कोई भी संबंध। बाबा नागार्जुन कहते पति पत्नी का संबंध भी गुरु शिष्य का संबंध है, और जब तक वो सीखना सिखाना चलता रहता है तब तक संबंध का निर्वहन होता है। बस दोनों तरफ से एक दूसरे को सीखना सिखाना है। कुछ बातें पत्नी से पति सीखेगा, कुछ बातें पति से पत्नी सीखेगी। यह शिष्यत्व का संबंध चलता रहेगा, गुरुत्व का शिष्यत्व का, तब तक संबंध का निर्वहन होगा। तो उन्होंने कहा संबंधों का निर्वाह यानी शिक्षा, दीक्षा भी है, दमनम, इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों को रोक करके, भोग का संयम करके अंतर्मुख जाना, वह दीक्षा है, वह साधना है। इसलिए संबंध साधना भी है, इसलिए निर्वाह करने में साधना भी आता है। साधक बाधक अपने यहां दो शब्द प्रयोग होते हैं। जब ध्येयगामी है तो साधक है, ध्येय के बीच में आड़े आता है तो बाधक है। संबंध साधक हो जाते हैं जब साधना होते हैं। तो ये गुरु शिष्य संबंध है सारे, कोई भी लेवा। मुख्य रूप से ये तीन संबंध है, पिता पुत्र वाले, बराबरी वाले और पति पत्नी वाले। मुख्य रूप से ये तीन संबंध है, बाकी सारे संबंध इसमें से कहीं ना कहीं आ जाते हैं। चाचा ताऊ मामा है तो वो पिता पुत्र जैसे ही है, मामा भांजे का संबंध वो। इसलिए वो शिष्यत्व का निर्वहन कर ये। तो उसने कहा शिष्यस्ते हम शादी मांगता हम प्रपन्नम, सातवें श्लोक में दूसरे अध्याय के। लेकिन तब वो सखे व सख्यु वाला है, ये अभी जाकर के इस 11वें अध्याय में कहा, अभी तक मैं तेरे को सखा मानता था, सखेती, हे माधव, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती,
ऐसा मान करके शिष्य हूं तुम्हारा, पर सखा हूं, सखा शिष्य, तुम सखा गुरु हो, तो कुछ बातें तुम ऐसे भी सीखोगे ना। अब जब विश्व रूप का दर्शन देखा, इसने कभी कभी सिखाता था, कभी कभी सीखता था तुमसे, थोड़ा बहुत सिखाता भी था तुम, ऐसा नहीं ऐसा क्या समझते हो अपने आप, ऐसा नहीं ऐसा करना, सखेव सख्यु, वो गुरु शिष्य संबंध था वहां। लेकिन अब क्या समझ में आया, अब समझ में आया गुरु गरिया, तुम गुरुओं के भी गुरु हो, तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, देयर इज नोबडी बियॉन्ड यू, तुमसे परे कोई नहीं है। ये साक्षात्कार इस अध्याय में हुआ, ये पीछे बहुत बार झटके लगे, थोड़ा सा झटका चौथे अध्याय में भी लगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा कभी भी समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, मैं सब जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर कहा सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विवस्वान को बताया, विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत, ऐसा ये राजर्षियों को बताया जाने वाला कर्मयोग तब से चल रहा है। तब थोड़ा झटका लगा, अच्छा तुम ऐसे हो, मैं तो तुमको ऐसे ही मेरे जैसा ही मर्त्य लोक का एक मानव मात्र मानता था, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है और एक्सपायरी डेट भी है कोई, और तुम तो कह रहे हो तुम सृष्टि के आदि में तुमने विवस्वान को बताया था, अरे ये क्या है। तो वहां झटका लगा, ऐसे नवे अध्याय में लगा बहुत जगह, लेकिन द्रष्टुम ज्ञातुम पहले भी हुआ, लेकिन द्रष्टुम च हा द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम, कोई पूरा सर्व आपी सर, सब दिशाओं में सर्वतो एव सर्व, क्या ये अनेक बाहु अनंत वीर्य अमित विक्रमी अद्भुत दृष्टा करालानी, ये हो तुम। अब जो शिष्यत्व है वो वाला नहीं है गुरु शिष्य वाला, वो वाला भी नहीं है सखा सखेव वाला, कुछ कुछ सीखने वाला नहीं है, कुछ कुछ दीक्षा दे करके मुझे दमनम की साधना में अग्रसर करने के लिए थोड़ी सी मेरी उंगली पकड़ लो, मैं बैठ जाऊं तो खड़ा कर लेना, मैं थक जाऊं तो मेरे को आश्रय दे देना, मैं पथ से थोड़ा सा हट जाऊं गलियों में चला जाऊं, कहीं कोई अच्छा पुष्प दिख जाए, कहीं कोई मधु दिख जाए तो किसी प्रलोभन में, अथवा भय से अपने ध्येय मार्ग से हट जाऊं तो आवाज दे करके डांट लगा करके कान पकड़ करके फिर पथ पर ले आओ, ये सारा गुरु करता है, ये सारे गुरु का काम है, ये सखा भी करता है, ये पिता भी करता है, ये माता भी करती है, ये पत्नी भी करती है, मंदोदरी ने किया रावण के लिए, बार बार किया, प्रहलाद की मां ने किया बार बार किया, पति भी करता है पत्नी के लिए, मार्ग से च्युत होने वाले वापस मार्ग पर आना, वो गुरु शिष्य का संबंध चलता है, वो नहीं। अब गुरु गरियान, फिर ये क्या अनन्य भक्ति, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं, मित्र तो बहुत सारे हो सकते, तो भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु कहते हैं उस समय, वो ये वाला गुरु गरियान वाला नहीं है वो समय। अब जो संबंध आ गया ये भक्ति का संबंध है, भक्ति का संबंध संपूर्ण समर्पण का संबंध है, वह एकमेवाद्वितीय है, वह केवल ईश्वर के प्रति हो सकता है, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों के, इसलिए अनन्य भक्ति से ही यह दर्शन संभव है। लेकिन मुझे तो मजेदार बात लगती है, इस दर्शन के कारण अनन्य भक्ति स्थिर हुई, वो साक्षात्कार हुआ तो ऐसे हो तुम। अब अर्जुन का समर्पण उस भक्ति के स्तर तक आया, और भक्ति के स्तर तक आने से वह भक्त बन जाएगा। तो यही 5 लक्षण बताए भक्त के, जो अभी इस अंतिम श्लोक में इस अध्याय के बताए, जो कर्मयोग के द्वारा भी साधक के सिद्ध होने के 5 लक्षण बताए, लगभग वही लक्षण।
वहां दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्य बनो, पहला सत्व रज तम के द्वारा किए जाने वाले कर्म से परे जाओ। यहाँ उसको वहां क्या नहीं करना वो बताया, यहाँ क्या करना बताया। निस्त्रैगुण्य वो सारे कर्म छोड़ दो, त्रिगुणात्मक कर्म जो वेदों में बताए गए, यज्ञ दान तपक कर्म जो सत्व रज तम के द्वारा किए जाते हैं, वो निस्त्रैगुण्य हो जाओ। वो निस्त्र यहाँ क्या कहा, वो कर्म छोड़ दो। कैसे छोड़ो, मत कर्म, मेरे लिए ही कर्म करो। जो भी कर्म करते हो, कुरुष्व मदर्पणम यज्जुहोसी यदस्नासी यत् तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व मदर्पणम। मत कर्म, सारे कर्म मैं कर रहा हूं, तुम निमित्त मात्र बन गए हो, ऐसे अर्पण हो करके करो। तो वो हर नौकर भी तो अपने मालिक के लिए कर्म करता है, ऑन बिहाफ ऑफ। वो जितने IAS अधिकारी होते हैं वो साइन करते हैं, तो राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति के तरफ से वो करते हैं द्वारा, तो उनको अधिकार वहां से मिलता है। तो उनका कर्म उनका स्वयं का कर्म नहीं है, वो शासन का कर्म है। किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी के आप अकाउंटेंट हो, आप अकाउंट में घपले करते हो, आप कहते हो कंपनी ने बताया वो क्या, आप जिम्मेवार हो गए अपने कर्म के लिए। तब जब ये तक ये सिद्ध नहीं होगा कि मैंने केवल आज्ञा का पालन किया, आज्ञा का पालन किया तो तुम्हारा हट गया, बाप तुम्हारा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मत कर्म, ईश्वर को कर्म करो। तो क्या है? वो ये कहना चाह रहे कि तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म, प्रभु का कर्म करो, मतलब क्या? ऐसे नौकर अपने मालिक का कर्म करता है वैसे? मत कर्म यानी क्या? ईश्वर के प्रति सारे कर्म समर्पित करना यानी क्या? वास्तविकता में यदि ये कर्म समर्पण का भाव आ जाए तो वास्तविकता में किल्बिषम नाप्नोति, वास्तविकता है आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, पाप नहीं रहता। इससे अगला शब्द भी बहुत मत कर्म कृत मत परमम, मुझे ही अंतिम लक्ष्य समझ करके मत कर्म करो। किसी और स्वार्थ से किए गए कर्म को मेरे को समर्पण करने से काम नहीं चलेगा। कर्म तो उस स्वार्थ से कर रहा हूं कि ये लाभ हो जाए व्यापार में, और समर्पण कर दिया भगवान को तो पाप हट जाएगा नहीं। मत परा बन करके मत कर्म किया जाएगा तो किल्बिषम ना, फिर तुमको नहीं लगे। वो कर्म व्याध हिंसा का काम कर रहा है, पंछियों को पकड़ पकड़ करके काट करके उनका मांस बांट रहा है, लेकिन वो सिद्ध कर्म योगी है क्योंकि कर्तव्य कर्म कर रहा है, अपने स्वार्थ का बोध मन में लिए बिना कर रहा है, मत परह वो करके कर रहा है। वो विष्णु पुराण में कथा आती है कि नारद को अहंकार हो गया भक्ति का, सुनिए हम सब लोगों ने कथा, भक्ति का अहंकार बड़ा खतरनाक है। नकारात्मक अहंकार बहुत छोटा होता है, सकारात्मक अहंकार बहुत बड़ा होता है। मैंने लाखों रुपए कमाए इसका अहंकार, मैंने 5 रुपए दान किए इस अहंकार से छोटा है। मैंने 5 रुपए दान किए इसका अहंकार इतना खतरनाक है, मैंने उसको दिया, मैंने उसके सहयोग किया, मैंने उसकी मदद की। त्याग का अहंकार भोग के अहंकार से अधिक प्रकट है, प्रचंड है, अधिक बाधक है। मैं
ऐसे ही सद्गुण की विकृति और खतरनाक है। दुर्गुण विकृति से सद्गुण विकृति ज्यादा भयावह है, ज्यादा विध्वंसक है, ज्यादा विनाशकारी है। मतलब आप सोचिए ना, जो बड़ा ईमानदार है ऐसा अधिकारी होगा, वो गलत काम करेगा तो कितना खतरनाक हो जाएगा, वो कितना भयावह हो जाएगा। हाँ, आप सोचिए ना, वो क्या नाम उसका, वाई यू खान, वो नहीं होता तो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बनता क्या? वैसा अद्भुत क्षमता वाला वैज्ञानिक था, इसलिए पाकिस्तान खतरनाक हो गया। सद्गुण विकृति ज्यादा खतरनाक है, दुर्गुणी शराबी और ऐसा बेकार कोई आदमी आतंकवादी है तो वो खतरनाक। ओसामा बिन लादेन है, जो इंजीनियर है, खूब दिमाग है, बम बनाना जानता है। सद्गुण विकृति दुर्गुण विकृति से खतरनाक। भक्ति का अहंकार हो गया नारद को, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं। तो उनके व्यवहार में, उनकी बातचीत में, उनके लोगों को झिड़कने में भगवान विष्णु को समझ में आ गया, तो नारद का अपमान हुआ। अपमान हुआ तो रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए, तो विष्णु को कहने लगे, तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु ने कहा, वो फलाने गांव में एक वो चमार है, वो मेरा है। क्षीर सागर में शैया पर पड़े हुए विष्णु ने कहा, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त। नारद का अहंकार तो खट, मेरा जो आराध्य है मत पर रहा, जिसके प्रति पूरा परायण है, जिसकी बात को असत्य में मान ही नहीं सकता, ऐसा क्षीर सागर में बैठा हुआ स्वयं विष्णु मुझे कह रहा है कि तू नहीं है मेरा सबसे, तेरे से योग्य भक्त वो है। लेकिन अहंकार के वश ऐसा कैसे मेरे से योग्य है, बोल तो नहीं सकते, तो भक्ति है तो ऊपर से तो विनम्र, अच्छा अच्छा ठीक है चलो मैं जाकर के देखता हूँ, अंदर से जाकर के आकर के देख करके आकर के प्रूव करता हूँ कि वो मेरे से ज्यादा भक्त वो नहीं है। उसके पास जाकर के उसकी दिनचर्या देखी, उसके पास रहे, उसके साथ रहे। भाई कभी भगवान को याद ही नहीं करे, अपना काम करे, दिन भर जूते बनाए, ये सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, अपने बच्चों को देखभाल करे, घर से निकलते समय एक बार भगवान को प्रणाम करके भगवान की दो पुष्प चढ़ा दिए तो चढ़ा दिए, कोई कर्म आता नहीं, षोडशोपचार नहीं आते, पंचोपचार नहीं आते, कोई मंत्र नहीं आते, केवल भगवान का एक छोटा सा कुछ रखा हुआ है कोने में, भगवान को स्थापित कर रखा है, उस ठाकुर जी पे एक पुष्प चढ़ा दिया, दो पुष्प चढ़ा दिए, कभी पुष्प नहीं मिले तो हाथी जोड़ लिए और गए अपने यहाँ पर काम का था, उस काम के सारे ये निकालने के बाद वहाँ भी एक छोटा सा कोई पत्थर लगा रखा था, सिंदूर लगा करके, कोई सुगढ़ मूर्ति नहीं कुछ नहीं, वहाँ भी एक बार प्रणाम कर लिया, फिर अपना दिन भर काम किए, शाम को लौटते समय दुकान मंगल करते समय फिर प्रणाम कर लिया, फिर उसको रख दिया, घर वापस आकर के हाथ मुँह धो करके एक बार भगवान जी आ गया मैं, और फिर ठाकुर जी आ गया मैं, फिर अपने गृहस्थ के कार्य में, बच्चों को ध्यान देना, बच्चों को बैठा करके उनको कहानी सुनाना, पत्नी की बातें सुनना, उसकी आवश्यकताओं का करके रात को सो गए, सोने से पहले फिर एक बार हाथ जोड़ ली। नारद ने कहा, मैं तो नारायण 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 24 घंटे बिना रुके नारायण 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 करते रहता हूँ, एक क्षण तुम्हारा विस्मरण नहीं करता हूँ विष्णु, नाम स्मरण सतत चलता है 24 घंटे, अजप जप चलते रहता है, मेरी श्वास प्रश्वास के साथ जप होता है, मैं रात को सोता हूँ तब भी जप चलते रहता है, इतना मेरी भक्ति है, और तुम ये दिन में 2 या 4 बार ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा नाम लेने वाला मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो गया? जाकर के विष्णु से भिड़ गए, मत परा। मत परा होता तो भिड़ते क्या, मत परा होते तो खुद खोजते गया। अरे यार, इसके बावजूद ये इसको मेरे से बड़ा कह रहे, तो मामला क्या गड़बड़ है? मत परा नहीं है तो मत कर्म होना भी मुश्किल है, ये जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मत परा होना यही अंतिम निधान है ऐसा,
तो फिर हम जानते हैं विष्णु ने नारद को कहा कि अच्छा तुम उससे बड़े भक्त हो, ठीक है तो एक काम करो, तो एक पात्र में बिल्कुल लगोलग अंतिम उसकी कड़ तक तेल भर दिया, एक बूंद और डालो तो छलक जाए, ऐसा पूर्ण आपूर्यमान ऐसा उस पात्र को भर दिया, नारद के दोनों हाथों में दे दिया, दाओ पृथ्वी की प्रदक्षिणा कराओ। नारद करया मनोवेग से पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके वापस आ गया। भगवान ने पूछा कितनी बार मेरा नाम स्मरण किया, नारद कहते अरे आपने काम बताया मत कर, मैं तुम्हारा काम कर रहा था, तुम्हारा काम कर रहा था तो मत पर नहीं रहा काम करते समय वो गिरना नहीं चाहिए एक बूंद भी, आपने कहा था देखो मैं पूरा एक बूंद भी बिना वेस्ट के ले आया, तुम्हारा बताया हुआ काम कर रहा था मत कर। भगवान ने पूछा नारायण नारायण कितनी बार बोला, अरे नारायण नारायण बोलने में ध्यान किसका है, ध्यान तो बूंद नहीं टपके इसमें, तुम्हारा काम करते करते आंखें फूट गई और तुम पूछ रहे हो स्मरण नहीं करते हो, तुम्हारा काम करते करते शरीर का सारा ध्यान लगा करके एक बूंद बिना गिरा रहे और तुम पूछ रहे हो स्मरण। तो भगवान विष्णु हंसे, देखा वो ये सब करते हुए परिवार का भार दायित्व सब संभालते हुए पांच बार मेरा स्मरण करता है, तूने एक बार भी नहीं किया काम करते समय, मत कर्म मत कृत मत परमो, कर्म करते हुए मुझको समर्पित होना, वो भक्त के लक्षण पांच लक्षणों में से ये बताए, अभी बताए निस्त्रय गुण्यो काफि निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम और आत्मवान, ये वहां पर ये पांच लक्षण बताए, निस्त्रैगुण्यो कर्म में रत नहीं होना, निर्द्वंद्व सुख दुख यश अपयश जय पराजय इन सब के द्वंद्वों से परे शीत उष्ण आदि सब द्वंद्वों से परे रहना, नित्य सत्वस्थो सतत अच्छे कामों में लगे रहना, निर्योग क्षेम योग क्षेम की चिंता नहीं करना खुद के लिए, ये मत पर आइए निर्योग क्षेम, मैं अपनी चिंता नहीं करता हूं मेरी चिंता करने वाला वो है, इसलिए सन्यासी का अर्थ ही है सम्यक न्यास इति संन्यास, सम्यक न्यास यानी क्या, हमारे जीवन का न्यास अलग 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 होता है, और policybazaar.com की एडवर्टाइजमेंट आती है ना मरने के वाला लाश खड़ी होकर के बोलती है भैया बेटे का ध्यान कौन रखेगा, इसका बाप, हाँ मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी कर रखी है वो बाप ध्यान करेगा, वो करोड़ की पॉलिसी का क्या होता है अभी हमारे घर में हम देख रहे हैं, 2 साल हो गए पॉलिसी का क्या हो रहा है, कोर्ट में केस नहीं लगी अभी तक, क्या आधार है, मेरी बैंक में इतनी FD है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, कितनी 13,000 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर के घर नहीं आ सकता मान लिया, और नीरव मोदी को कल दिखाया उसका वर्णन आया है आज गार्डियन में पूरा का पूरा, जब वो कोर्ट में कल उसकी पेशी की गई, 1,00,000 करोड़ 30,00,000 करोड़ का मालिक, कितने शून्य में तो गिनी नहीं पाता, 1,00,000 करोड़ कितने शून्य हो, इतनी संपदा का मालिक, वहां लंदन की जेल में दाढ़ी बड़ी हुई बाल तक नहीं बना पाया बेचारा, कपड़े ऐसे पहने हुए थे तो उसके उसके कोट वहां जेल में चाहे जैसे उसको कपड़े पहनाते हो, जब कोर्ट में पेशी करती है तब उसी के वो अरमानी का सूट वूट पहन करके, और वो ऐसा लग रहा था उसमें लिखा है, ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी फूट फूट कर रो पड़े, कहां गया तेरा न्यास, तेरा न्यास वो था ना इतने करोड़ की प्रॉपर्टी, अपने नाम से उसने डायमंड की रेंज निकाली, नीरव मोदी डायमंड्स, मेरी प्रतिष्ठा मेरी क्रेडिट मेरे कहने पर बैंक, जाता हूं मैं तो अभिषेक मनु सिंघवी को
नवल का हार उसकी पत्नी को दे देता हूँ और मेरा कर्जा सरकार के द्वार खुलते थे उनके लिए। यूपीओ टू में सरकार उनके भरोसे चलती थी। मेरा न्यास, क्या न्यास है तुम्हारा, किसके भरोसे कूद रहे हो? सम्यक नाश कब होता है? जब ईश्वर पर आपका न्यास हो जाता है। वही है देने वाला और कोई नहीं। मेरी योगक्षेम मत पराहा, मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कहेंगे आगे चल कर आजा, सब छोड़ जा रखे, एक मैं ही आश्रय हूं और कोई नहीं। मत पराहा, ऐसा जो मदभक्त है नित्य सत्वस्थ, वहां नित्य सत्वस्थ का या मदभक्त का, मुझमें ही एकाकार रहता है। कर्मयोग में बुद्धि योग, वहां व्यवसायत्मिका बुद्धि के लक्षण बताते बताते वहां पर पहुंचे कि जब व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदन, जब बुद्धि योग से तुम सारे सुकृत दुष्कृत को जला करके कर्मयोग को अपने जीवन में करते हो, उस अव्यक्त कर्म में निरत हो जाते हो, तब वो निस्त्रैगुण्य हो, निर्द्वंद्व हो, नित्य सत्वस्थ हो, वो पंच लक्षण होते हैं। जब व्यक्त साधना करते करते उस विराट रूप का साक्षात्कार हो जाता है, तब वह अनन्य भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति होती। तो ये पंच लक्षण बिल्कुल पैरेलल है दोनों। इसलिए अगले अध्याय का पहला प्रश्न वही है, व्यक्त और अव्यक्त एक ही है क्या? जो अव्यक्त की साधना कर रहे हैं वो और ये जो तुम भक्ति की व्यक्त साधना कह रहे हो, ये एक ही है क्या, कि अलग अलग है? एवं सतत युक्ता ये भक्तास्ताम परियुपासते, और ये चापी अव्यक्त अक्षर, वो दोनों एक है कि अलग है, ये पूछा इस श्लोक के कारण। क्योंकि अर्जुन देखो कैसा शिष्य है अद्भुत। वो दूसरे अध्याय में वही पांच लक्षण तुमने बताए थे कर्मयोग के द्वारा होता है, और यहां भक्ति योग में वही बता रहे हो। मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त, जब मेरे मुझ में ही एकाकार हो जाता है तो सीधे सीधे संग विवर्जित संग वर्जित, और किसी के प्रति आसक्ति रहती नहीं। यहां शब्द प्रयोग किया आत्मवान, आत्मवान कर्मयोग में कहा आत्मवान हो जाता है, उसको कोई रमने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं रहती और कोई खिलौना नहीं रखता। यहां कहा संग वर्जित, सारी आसक्ति समाप्त हो जाती वस्तुओं के साथ, संबंधों के साथ, व्यक्तियों के साथ नहीं, बस एक ही आसक्ति मद भक्त। ईश्वर के साथ जुड़ जाने से वहां प्लग लगा दिया कि जो करंट पास होने लगता है फिर और कोई उसको छू नहीं सकता। जो लाइव वायर है उसको छुओ, संग वर्जिता वो है। ईश्वर के प्लग लगा दिया हमने तो ऐसी लाइव वायर हो जाएगी कि और कुछ चिपकेगा ही नहीं, निर्लिप्त तो हो जाओगे। नमे कर्म फले स्पृहा, फल की स्पृहा नहीं रहेगी मुझे। क्यों नहीं रहेगी? स्पृहा यानी चिपकना, फल चिपकेगा नहीं मुझे। क्यों नहीं चिपकेगा? तेरा कर्म किया, फल भी तेरा प्रसाद है, कर्म भी तेरा था, काम भी तेरा था, लाभ भी तेरा होगा, क्रेडिट भी तेरा, श्रेय भी तेरा, सब कुछ तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मद भक्त संग वर्जित, और ऐसा जो संग वर्जित है निर्वेरा सर्वभूतेषु, सर्वभूत हिते रता, आगे चल करके अगले अध्याय में यहां कहा सारे भूत मात्र के प्रति निर्वेर हो जाते हैं, किसी के प्रति वैर नहीं। वैर क्यों नहीं? क्योंकि दूजा भाव नहीं है। दूजा भाव होगा तो वैर होगा, और निर्वैर होने का लक्षण ही है जो मेरा हित ना करे उसके प्रति भी अहित की कामना मन में न आना निर्वैर है। जो मुझसे अच्छा व्यवहार करता है उससे मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, ये निर्वैर काम, ये तो लेन देन है। वो मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करता लेकिन मेरे मन में उसके प्रति कभी कटुता नहीं आएगी। वो हमेशा मेरे विपरीत सोचता है लेकिन मैं उसके प्रति
निर्भय रहो, अपने आप हो जाता है। जब संग वर्जित हो जाता है, वैर तो संग के कारण ही होता है। राग होगा तो द्वेष होगा, राग नहीं होगा तो द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष से परे जाना ही वैराग्य है, और वो वैराग्य आ जाता है जब निर्द्वंद्व हो करके, ये निर्द्वंद का भी लक्षण है, वहां निर्द्वंद्व शब्द प्रयोग किया, निर्वैर यहां शब्द प्रयोग किया, वैर नहीं है, दूजा भाव नहीं है, द्वंद्व नहीं है, ये अपना ये पराया, अयम निज परो वेति है ही नहीं गणना, तो निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भूत मात्र के प्रति वैर नहीं। इसलिए ऐसे भक्त के संग में स्वाभाविकतः वैर भाव रखने वाले प्राणी भी मित्रवात व्यवहार करते हैं। इसलिए जहां भक्त का या जहां ऐसे ज्ञानी का निवास होता है, उसका लक्षण बताया हमारे वो उस कविता में है ना, एक घाट ही पिए जल सिंह और मृग छोना। यहां सिंह और मृग हिरण एक साथ जल पिए और एक दूसरे के प्रति भय समाप्त हो जाए, निर्भय हो जाए, क्योंकि वैर समाप्त हो गया। चारों आश्रमों की रचना, चारों धामों में चार धाम की रचना कर दी शंकराचार्य ने, द्वारकापीठ, ज्योतिर्पीठ और इसमें अपने श्रृंगेरी में दक्षिण का, पुरी में और द्वारी ज्योतिर्पीठ और उधर द्वारिका में और उधर बद्री में, चारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों पीठों की रचना होगी और चारों जगह पर शंकराचार्य स्थापित हो गए। दक्षिणामी संप्रदाय की संन्यास संप्रदाय को व्यवस्थित कर दिया, पुरी गिरी तीर्थ आदि आदि सरस्वती आदि दशनामियों में उनको व्यवस्थित कर दिया। वो सब होने के बाद कालड़ी की तरफ वापस जा रहे हैं अपने जीवन के अंतिम काल में, और वहां जाते जाते कांचीवरम पहुंचे। बड़ा अद्भुत वहां पर, बड़ा सुंदर विष्णु का ये अवतार है, और वहां इन्होंने चंद्रमौलीश्वर की स्थापना की और वहां कांची पीठ पांचवा पीठ स्थापित किया, जहां अभी विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य है, वहां की पीठ की स्थापना की हुई। उसके इतिहास ही ऐसा है कि वहां जब गए तो उस पहाड़ी पे उस स्थान पर उनको अचानक शांत विश्राम करने की इच्छा हुई, बैठ गए, पानी पिया और बैठ गए एक पेड़ के नीचे, तो एक बड़ा मजेदार दृश्य देखा कि एक मेंढकी प्रसव की पीड़ा में कुछ अपने ये दे रही थी, और उस समय उसकी वह पीड़ा और उस क्लांत में, उस गर्मी में, उस मेंढकी को श्रम नहीं हो, गर्मी से उसकी रक्षा हो, इसलिए एक नाग फणी करके उसको छाया दे रहा था। नाग के फणी के द्वारा मेंढकी को छाया मिल रही थी। तो शंकराचार्य ने कहा, यह कितनी अद्भुत तपोभूमि है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। महर्षि पतंजलि कहते, जब किसी के मन में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है तो वहां वैर त्याग हो जाता है। स्वाभाविक नैसर्गिक एक दूसरे के वैरी, खाद्य है जीवो जीवस्य जीवनम, एक दूसरे का खाद्य, लेकिन वो नाग उसकी रक्षा कर रहा है। तो कांची पीठ की स्थापना यहां भी होना चाहिए, तो वहां पर स्थापना, आज सबसे चारों पीठों से ज्यादा प्रचलित वो हो गया था। बीच में परमाचार्य थे, चंद्रशेखर आनंद सरस्वती, उस समय सर्वाधिक प्रचलित कांची पीठ था। निर्वैर सर्वभूतेषु यस्सा मामेति पांडव, हे पांडु के पुत्र, ये पांच गुण जिस भक्त में, अनन्य भक्त में आ जाते हैं, या अनन्य भक्ति मेरे प्रति जिसकी स्थापित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उसमें ये पांच गुण आ जाते हैं, वो मुझे प्राप्त करता है, वो मेरा हो जाता है। भक्तिमान ने प्रियो न रहा, आगे सारी वो लाइन आएगी, कौन वो भक्त मुझे प्रिय है, वो भक्त मुझे प्रिय है, 12वें अध्याय में पूरा उसका विवेचन है, वो पूरा इन पांचों का आगे पूरा विवेचन है। ये पांच जीवन में कैसे आए, अपने लिए आदर्श हो गया, ये पांचों में पहुंचना है। अब इसमें मैं कहां पर हूं, मत कर्म में कहां पर पहुंचा हूं, सीढ़ी है, स्वार्थ कर्म में हूं या कुल कर्म में हूं, नियत कर्म परिवार के लिए करता हूं चलेगा, समाज के लिए करता हूं और अच्छा, राष्ट्र के लिए करता हूं और अच्छा,
उदात्त ध्येय के लिए करता हूँ, धर्म स्थापना के लिए करता हूँ, और अच्छा करते करते उसी ईश्वर के लिए कर रहा हूं, वहां पहुंच जाएंगे सर्वोत्तम। मत परा अभी किसपे किसपे आश्रय है? अपने धन धन प्रतिष्ठा पद पैसा प्रतिष्ठा पे आश्रय लेकर के उसके उसके भूते पर हो? नहीं नहीं, मेरे मित्र बहुत अच्छे, मेरे संबंध बहुत अच्छे, सोशल कैपिटल आजकल शब्द प्रयोग होने लगा, वही तो काम आता है ना। आज वो जो आशुतोष श्रीवास्तव का बता रहे उसका वो संभव ही नहीं होता, किडनी ट्रांसप्लांट और उसके लिए होने वाला खर्च संभव ही नहीं होता, उसके जो बैकग्राउंड है आर्थिक रूप से संभव नहीं हो पाता। किसने किया? उस अखंड मित्र परिवार ने किया, जिनके लिए अहेतु की कामना से देवेन ने काम किया, लेन देन का नहीं था, आशुतोष ने किया, आशुतोष ने उसके लिए अहेतु को भाव से किया, तो इस समय उसने अपना कर्तव्य किया, वो उस पद में है तो आशुतोष के पद में होने की आवश्यकता नहीं, मित्र पद में काम हो गया। इसलिए मेरे पद पैसा प्रतिष्ठा के मान पर मैं आश्रय करता हूं तो शूद्र भाव है, मेरे बृहद परिवार पर मैं विश्वास करता हूं तो थोड़ा बड़ा हो गया, उससे बड़ा हो गया कि अरे मेरे को चिंता करने की क्या जरूरत है, समाज है राष्ट्र है, नहीं उससे भी पड़े जाकर के ईश्वर पर न्यास हो जाता है, तब संन्यास हो जाता है। आज तो मजेदार बात यह होगी कि सन्यासियों के सबसे ज्यादा कोर्ट केस है, सन्यासियों के गद्दियों के कोर्ट केस है, क्योंकि आश्रय वहां नहीं हो गया यहां हो गया, ट्रस्ट बन गया है ना, पब्लिक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, सम्यक न्यास से संस्था न्यास हो गया तो कोर्ट केस ही होंगे। इसलिए वो संघ वर्जिता मतपरा मतभक्ता मतकर्मरता ऐसे बन जाओ, निर्वैर सर्वभूतेषु तो मुझे प्राप्त करोगे, यह भक्ति का आदर्श भगवान श्री कृष्ण ने बताया। कर्म के द्वारा और भक्ति के द्वारा अनन्य भाव में अंतिम स्थिति में हम वहीं पहुंचते हैं, यह बात इस अध्याय के अंत में सिद्ध हुई। कुछ दिनों का विराम करते हैं, फिर आज जब प्रवास में थोड़ा 5-7 दिन का नागपुर रहने का योग आएगा तब 12वें अध्याय में जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।